मिलीभगत के आरोपों पर वसुंधरा राजे ने दिया करारा जवाब। गहलोत के बाद वसुंधरा राजे ने दी सफाई। राजस्थान में इन दिनों पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर मिलीभगत के आरोप लगाकर सियासत गर्मा रखी है। वहीं सीएम अशोक गहलोत भी यह बयान दे चुके हैं कि पूर्व सीएम राजे कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस की सरकार को बचाने में सहयोग दिया था। इन बयानों के बाद अब पूर्व सीएम राजे ने विरोधियों पर निशाना साधा है। राजे ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के सभी दलों के राजनेताओं के साथ मधुर संबंध थे। स्वर्गीय हरिदेव जोशी, स्वर्गीय मोहनलाल सुकारिया समेत कई कांग्रेस नेताओं से शेखावत के मधुर संबंध थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि ये सभी आपस में मिले हुए हैं। सचिन पायलट ने साधा था गहलोत पर निशाना। वसुंधरा राजे को बताया था गहलोत का नेता। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने गहलोत पर निशाना साधा था। पायलट ने मिलीभगत के आरोप लगाते हुए यह कहा था कि ऐसा लगता है कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। बहरहाल अभी कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के विद्रोही तेवरों पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, लेकिन पायलट अभी भी वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दों की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। खास खबर .com के लिए कैमरामैन सुरेश तान्या के साथ गिरिराज अग्रवाल की रिपोर्ट।